अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बास किचन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैगी की एक न्यू रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये मैगी की बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी है। आज मैं आपको मैगी मंचूरियन बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक पैन में 2 कप पानी बॉयल होने को रख दें। जब पानी बॉयल होने लगे तब आप इसमें 2 पैकेट मैगी नूडल्स डाल दें। टेस्ट मेकर हम बाद में यूज़ करेंगे। मैगी के पानी सूखने तक आप इसे पका लें। फिर आप इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर ले। जब नूडल्स अच्छे से ठंडे हो जाएं, तब आप इसमें 2 पैकेट मैगी टेस्ट मेकर ऐड कर दें। अब आप इसमें एक छोटा अनियन बारीक कट करके डालें और साथ में थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी डाल दें। इससे टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें। याद रखें, टेस्ट मेकर में भी नमक होते हैं, तो इसलिए आप कम ही नमक ऐड करें। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसको डाल के आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसे आप हाथ से अच्छे से मिक्स करें। अब आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लें। सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब आप एक मैगी और ले और उसको इस तरह से क्रश कर ले। फिर बॉल्स के ऊपर उसकी इस तरह से कोटिंग कर ले। ये देखिए, सारे बॉल्स तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दें। जब ऑयल गरम हो जाए तब आप इसमें मैगी बॉल्स डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आप इसे निकाल लें और इसे किसी जाली पे रख दें। इसे किसी टिश्यू पेपर पे ना रखें, वरना जो बॉल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। बाकी के मैगी बॉल्स भी आप इसी तरह से फ्राई कर लें। सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। सॉस बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम कर ले। फिर इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां बारीक कट करके डालें। साथ में 2 हरी मिर्च भी डाल दें। इसे कुछ देर सॉटे करें। अब आप इसमें 1 मीडियम साइज़ अनियन डाइस करके डालें और साथ में 1 मीडियम साइज़ कैप्सिकम भी डाइस करके डालें और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर लें। अब आप इसमें नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर कम डालें। अब इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून सेजवान सॉस डालकर इसे 30 सेकेंड के लिए और सॉटे करें। अब आप इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके फिर इसमें डाल दें। इससे जो हमारा सॉस है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी और ऐड करें और फिर गैस को बंद कर दें। लास्ट में आप इसमें स्प्रिंग अनियन डालें, इसे मिक्स करें और अब आप इसमें मैगी बॉल्स जो हमने फ्राई किए थे वो डालकर टॉस कर लें। और इसे फौरन गरम गरम सर्व करें। टॉस करने के बाद आप इसे फौरन सर्व करें, वरना जो बॉल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। ओह
ऊपर से थोड़ा स्प्रिंग अनियंस और ऐड करें और इसे इस तरह से सर्व करें। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह दोस्तों जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।